नमस्कार जोमो स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फिलहाल बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी है। अमरनाथ की पवित्र गुफा परिसर में शुक्रवार को बादल फटने से हुई तबाही के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल से अभी तक 16 शवों के साथ साथ 29 लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा चुका है। इन 29 लोगों में से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा का ये स्थल बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से नहीं बल्कि बचाव कार्य में जुटे वायुसेना व सेना के हेलीकॉप्टरों के गुनगुनाहट से गूंज रहा है। जवान भवन पर फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुटे हुए हैं और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सेना आईटीबीपी एनडीआरएफ सहित अन्य सुरक्षा बलों के जवान बारिश के बीच बचाव कार्य में जुट गए थे। पवित्र अमरनाथ गुफा के नजदीक अभी भी कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हेलीपैड पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए मेडिकल टीम मौजूद है और वहीं पर लापता श्रद्धालुओं की तलाश के लिए पवित्र बचाव दल सेना आईटीबीपी और एनडीआरएफ सहित अन्य दल जुटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को श्रीनगर पहुंचाया जा रहा है। सेना के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं जिनकी निगरानी में बचाव कार्य चलाया जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान शुक्रवार को पेश आए दर्दनाक हादसे पर अपने दुख का इजहार किया है। इन सियासी दलों के प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों की आत्माओं की शांति की दुआएं करने के साथ साथ सरकार से भी शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करने की अपील की ताकि भविष्य में प्राकृतिक उपादाओं के से सूरज में जाने जितना भी जानी नुकसान है उसको रोका जा सके। और क्या कहना है इन सियासी दलों का नेताओं का, आइए आपको दिखाते हैं। जो एक दर्दनाक वाका हुआ है वो हम सब के लिए बहुत दुख का वाका है और हम उम्मीद करेंगे, सेना जी ने कहा कि सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे, खतरनाक इलाका है और साफ चीज़ें लोगों के सामने ला रही थी और साथ साथ जो गुजर गए हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनके खानदानों को, और आगे के लिए भी सोचा जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं हो। जहाँ पे ये लगाया गया है वेरी आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी, ये पहली दफ़ा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगहें पनथरनी इतना अच्छा इलाका है वहाँ कोई चीज़ कर नहीं सकते, सदियों से चला रहा है, तो सदियों से पनथरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए, हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। बाबा बोले कि दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए, उस हादसे से गुजरे कई जाने यहाँ पे गई, पूरे देश के साथ हम अफसोस का इजहार यहाँ पे करते हैं, उन परिवार वहाँ लोगों के साथ सहानुभूति का इजहार करते हुए यही मांग करेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को इतनी तेज़ी लाई जाए ताकि जितने भी लोगों को बचा सके उनको बचाने की सख्त ज़रूरत है और प्रॉपर तौर पे मुआवजा उसमें कहीं पर भी देरी ना हो पाए, जो पुख्ता इंतजाम की ज़रूरत है बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए फौरी तौर पर एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो सरकार को चाहिए कि इनिशिएटिव यहाँ पे ले, पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त हम हादसे के साथ यहाँ पे हैं लेकिन प्रिवेंटिव मेयर जिस तरीके से खबरें भी यहाँ पे आ रही हैं रात बचाव में और रात में कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जिम्मेवारी का एहसास करते हुए फौरी तौर पर कदम यहाँ पर उठाए जाएँ। सबसे पहले हमारी हमदर्दियाँ और हमारा कंसर्न उन घरानों के साथ हैं जिनके अपने अजीज निशाना बने, वहाँ से यात्रा करने के लिए आए और यहाँ से लाशें घर को जाएंगी, अफसोसनाक है, दिलदोज सानिहा है। सरकार को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, सरकार ही इस पर अपना पूरा जायज़ा लेकर जनता के सामने रख लेंगे और हमारा तो सिर्फ यही है कि ऐसा दिलदोज वाक़ा ना हो, आने वाले वक्त में ये रिपीट ना हो जाए, सरकार को
जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए ताकि यात्री और यात्रा खुश असलूबी से अंजाम को पहुंच जाए। आज हर एक कश्मीरी जो जाने तलफ हुई हैं इस डिज़ास्टर में, उनकी लवाकिन के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं, और जितने भी लोग इस वक्त वहां पर हैं पूरा कश्मीर दुआ करता है, क्योंकि आज और कल ईद का मुतबरक दिन है। हम दुआगो हैं कि वो सब जितने भी हमारे यात्री हैं वो ही सही सलामत अपने घरों में पहुंचे, और मैं पूरे मुल्क को यकीन दिलाता हूं कश्मीर की तरफ से, हर किसी कश्मीर की तरफ से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो, कोई भी हो, हम खड़े हैं वहां पर, हमारे लोग खड़े हैं, तमाम खड़े हैं वहां पर, जितने भी डिजास्टर इस वक्त रिलीफ और उनको सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ साथ शाना बशाना वहां पर कश्मीरी खड़ा है ये देखने के लिए कि ये यात्री जितने भी वहां पर फंसे हुए हैं वो सही सलामत अपने अपने घरों को निकाले जाएं। वी विश देम ऑल द बेस्ट। बाबा भनाथ गुफा परिसर के पास बादल फटने की घटना शिव भक्तों का हौसला कम नहीं कर पाई है। वहीं पर पहलगाम स्थित आधार शिविर भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा है और शिव भक्त यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि आपदा के कारण भले ही अमरनाथ जी की यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है और साथ ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के ही वापस जो है वो लौटेंगे। वहीं गुफा परिसर में सुरक्षित पहलगाम वापस पहुंचे कुछ लंगर सेवकों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। क्या कहना है इन लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम जतिन है, मैं मेरठ भंडारे से आया हूं, मेरठ भंडारा लेके आया हूं। मैं 5 बजे करीब ऊपर से नीचे उतरा हूं, उसके आधे घंटे बाद ये इंसिडेंट हो गया। बहुत ही दुखद घटना है। मैं हर साल भंडारा लेके आता हूँ, इस साल 26वां विशाल भंडारा था मेरठ का, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से कि ये यात्री जो हुए हैं इनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख मुझे है इन बात का, और ये यात्रा जो चल रही है आगे के लिए थोड़ा साधन बनाया जाए। बालटाल का रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसे कृपया सुनिश्चित किया जाए और मेरा सभी की यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। यही हार्दिक कामना करता हूं। मैं थोड़ा नीचे था सर, मैं उतर रहा था वापसी के लिए और मेरे को आवाज आई है और मैं नीचे आ गया हूँ। कल की ये दुर्घटना सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ कि कल वो बादल फटने से तभी 15-1 लोगों की मृत्यु हुई, पर उसके लिए मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है और मैं भगवान के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और तो भी मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो भी श्रद्धालुओं की जो मनोबल है वो उतना ही रहा है, और वो और भी जम के और भोले बाबा के ऊपर भरोसा करके सब अपने खुशी से और भोले बाबा का नाम लेके आगे जा रहे हैं, और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, सब भोले बाबा अपना सब संभाल लेंगे। जितनी भी यात्रा हो रही है इस कंडीशन में हम भोले बाबा के पास आए हुए हैं, और कल जो हादसा हुआ है उस हादसे में काफ़ी सारी हमें न्यूज जो मिल रही है कि ऐसे न्यूज है कि उसमें से जो कुछ यात्री हैं और कुछ तंबू हैं वो बह गए हैं। भगवान उनकी शांति दे। हम भोले बाबा के पास आए हुए हैं, हम भोले बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे, क्योंकि भोले ने अगर हमें बुलाया है तो हम भोले बाबा के पास दर्शन करके ही वापस जाके लौटेंगे। जय भोले की। कोई नहीं, हम दर्शन करने आए, दर्शन करके आएंगे, हम लौटेंगे। यहाँ का माहौल तो अभी तक ठीक है, अभी पूरा कल जो हुआ हादसा उसमें हम दुख ज्यादा दे, बहुत बढ़िया है इधर का माहौल, दर्शन करके आ जाएंगे हम। हाँ, दर्शन के लिए जा रहे हैं हम, अभी 2 दिन यात्रा रोक चुकी है, पर परसों जो होगा हम जाएंगे दर्शन को, अगर मर भी गए तो भी हम दर्शन करके आएंगे। बाबा अमरनाथ गुफा परिसर के पास आई आपदा से जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और लापता लोगों की सकुशल मिलने की कामना को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज हवन यज्ञ किया। इस हवन यज्ञ में कई लोग शामिल हुए और मृतकों की आत्माओं की शांति की दुआएं मांगी। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने सरकार से सभी सुरक्षा इंतजाम को पूरे करने तक यात्रा को स्थगित करने की मांग की ताकि श्रद्धालु सकुशल अपने अपने घरों तक लौट सके। हवन यज्ञ है, ये जो लोग वहाँ श्री अमरनाथ जी यात्रा के भवन के ऊपर जो मृत्यु की छैया पर लेट गए हैं और कुछ आगे फंसे हुए हैं, बादल फटने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन था, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दी गई, सारे प्रबंध होने के बाद भी बादल इतना जोर से फट गया
जिसके कारण सारे प्रबंधन भी उसके सामने अच्छे ढंग से साबित नहीं हो पाए, जितना उपराज्यपाल के माध्यम से हो सकता था उसने प्रबंध करने का प्रयास करा, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया, उत्साह बड़ा ज्यादा है, अभी लोग रुक नहीं रहे, लेकिन जिंदगी बच पाए, सकुशल होकर के घर जा पाए, अपने बच्चों से मिल पाए, वैसा एक प्रबंध करने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। और आगे कुछ यात्रा अगर हमको स्थगित करने पड़ रही है, और स्थगित करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी जरूरी है, लोगों का प्रबंधन जरूरी है, लोग सकुशल होकर के अपने घरों के अंदर जा सके। डोगरा सदर सभा ने बाबा अमरनाथ गुफा के पास आई प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी है। सभा ने मृतकों की आत्माओं की शांति की कामना करने के साथ साथ सरकार के समक्ष अपने कुछ मांगे भी रखी हैं। सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और साथ ही घायलों के इलाज के लिए पूरा खर्चा उठाने की मांग की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये जो लोग बाबा अमरनाथ श्राइन के पास जो हादसा हुआ है उनके वारसों को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छी तरह से देनी चाहिए, और जो इंजर्ड हैं, बहुत बुरी तरह इंजर्ड हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है, उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट पूरी जिम्मेवारी ले और उनकी पूरी सहायता करे। ठीक है सर। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास शुक्रवार को बादल फटने के बावजूद यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों में कोई डर खौफ नहीं देखा जा रहा है। वहीं पर जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आधार शिविर में आज यात्रा का 11वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में बालटाल मार्ग से रवाना होने वाले 2034 और पहलगाम से रवाना होने वाले 4014 श्रद्धालु शामिल थे, जो कि कुल मिला के 279 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी स्थित आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। कुल मिलाकर जम्मू से आज 6048 शिव भक्त जो है वो कश्मीर स्थित आधार शिविरों की ओर भेजे गए, जिनमें बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा था। झारखंड बोकारो से और वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में सुना, लेकिन कोई डर नहीं है, हम लोग जाएंगे दर्शन करेंगे। यात्रा बहुत बढ़िया चल रहा है हम लोग का तर, और बहुत खुशी उत्साह है। मैं बनारस काशी से हूँ, वाराणसी से हम लोग, बहुत खुश है, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हम लोग का यहाँ बढ़िया जी। मम्मा बोले भाई, बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है, वो दुर्गम जगह है, बाबा के दर्शन के लिए सब कुछ मंजूर है। और क्या, हम लोग जय बाबा भोलेनाथ जाएंगे और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा अमरनाथ बर्फानी के पास जा रहे हैं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है इस समय प्रशासन का, जम्मू पुलिस का, CRPF का, BSF का, और जितने यात्रीगण हैं, मेरे हिसाब से अगर ये ना हो ना तो ये यात्रा, बाकी करवाने वाला तो भोलेनाथ है, लेकिन कोई ना कोई जरिया तो बनता ही है। सर पूछिए मत, पहली बात तो ये है कि दो साल तो कोरोना ने यात्रा रोक रखी, बहुत कोशिश करने के बाद इस बार भोले बाबा ने ये दर्शन दिए हैं। सभी जितने भोले बाबा के भक्त हैं सभी उत्साहित हैं कि यहाँ पे सभी लाइन में देखिए आप, सभी उत्साहित हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, सभी उत्साहित हैं कि भोले बाबा के दर्शन हों जल्दी जल्दी। डोडा के ठाठरी में गुंती जंगलों में आज तड़के 3 बजे बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बादल फटने से आई बाढ़ के कारण ठाठरी के RP गेट के करीब किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें वहां करीब 4 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान हाईवे की मरम्मत में जुटी तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने हाईवे पर आए मलबे को साफ कर यातायात को बहाल करवाया।
सूरनकोट के एसडीएम नईम उल निसा ने ईद के उपलक्ष्य पर कुर्बानी के बकरों का कारोबार करने वालों को चेतावनी दी है कि अगर वो लोगों से सरकार द्वारा तयशुदा कीमतों से ज्यादा ना वसूले। और साथ ही एसडीएम ने आज बकरा मंडी का दौरा कर इन कारोबारियों से संवाद करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके नोटिस में ऐसी कोई भी शिकायत आई तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही कहूंगी जो हमारे गवर्नमेंट रेट्स हैं 240 रुपये जिंदा जो बकरा है उससे बढ़ के उससे ज्यादा जो भी कीमत लगाए पे उस पर एक्शन होगा उससे बढ़ के 240 रुपये से ज्यादा कोई भी यहाँ जो कोई भी व्यापारी है जो भी कोई बेचता है इससे ज्यादा रेट एक रुपया भी ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर ही आप कंप्लेंट पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कंप्लेंट जो कंप्लेंट उसको माफ नहीं किया जाएगा कि अगर इस कुर्बानी सामने देनी है इसका नाजायज फायदा मत उठाए क्योंकि हर मुसलमान ने यहाँ कुर्बानी देनी है। ऐसा ना हो कि ये इस चीज का नाजायज फायदा उठाए। ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े पदों पर नियुक्त करने और साथ ही वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर कामछोड़ हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मचारियों ने आज भी भारी बारिश में जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ही उन्हें वर्गलाने पर उतर आए हैं जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत सेवाएं दे रहे आश्रित वर्ग के सरकारी मुलाजिमों ने जम्मू में आज लगातार 40वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इन मुलाजिमों का कहना है कि नौकरी बदलने अपने जान दांव पर लगाने उनके बस की बात नहीं है लिहाजा सरकार को उनके लिए जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी का गठन करना ही होगा। सरकार जब तक लिखित में ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का आश्वासन नहीं देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मुद्दा हमारा सिंपल सा है, एक ही डिमांड है, वो है ट्रांसफर पॉलिसी। कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी हमारे फेवर में गवर्नमेंट बनाए क्योंकि एम्प्लॉय का हक है कि अपनी ड्यूरिंग जो भी उसकी सर्विस है उसमें वो कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताए। सारी जिंदगी नहीं घर में बैठेगा, अपनी सर्विसेज उसको देनी है। नो डाउट ही इज टेकिंग सैलरीज, बट सैलरी लेने के मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान दांव पे लगा दें। हमारी फैमिलीज हैं, वी आर नॉट इन ए कंडीशन टू लूज अवर लिव्स, वी डोंट वांट अवर किड्स टू बिकम ऑर्फेन। ठीक है, इतनी सी हमारी सिंपल सी डिमांड है गवर्नमेंट से कि एक कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाए। हमारा राइट है, हम यहाँ पे आके अपने डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर सकते। धरना प्रदर्शन हमारा कॉन्टिन्यू रहेगा। वर्बल एश्योरेंस हमें एलजी साहब से मिला है लेकिन वर्बल एश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिल जाता कि आपकी पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारा एजिटेशन कॉन्टिन्यू रहेगा और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। जिला पुंछ के सूरनकोट उप जिला अस्पताल में सर्जरी का सिलसिला अब शुरू हो गया है जिसे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए अस्पताल प्रशासन का आभार जताया है और साथ ही सीएमओ पुंछ डॉक्टर शमीम भट्टी ने बताया कि उप जिला अस्पताल सूरनकोट में 20 मई को सर्जरी करने का सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा 42 मेजर सर्जरी की गई है। इसके अलावा भी डॉक्टरों ने कई ऑपरेशन किए हैं। जो है यहाँ पे सर्जरीज का जो सिलसिला हम लोगों ने स्टार्ट किया 20 मई के बाद, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने 2 मई को ज्वाइन किया तो हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे सर्जरीज कराएंगे, वो भी डीसी साहब की मेहरबानी की वजह से। उन लोगों ने हमें थोड़ा इंस्पायर किया कि भाई आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करो सर्जरीज। हम लोगों ने आगे पीछे ये देख के जो भी है एनेस्थेटिस्ट को यहाँ पे रखा कि 4 दिन यहाँ पे काम करेगा, 2 दिन मंडी में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट था उसको हम लोगों ने मेरे से पहले ही वहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा गया था। तो क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो सारा एरिया कवर करता है ये, तो उसमें हम लोगों को वहां पे एनेस्थेटिस्ट की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहां पे रखा था। और यहां पे दूसरा एनेस्थेटिस्ट था जो मंडी में जिसकी पोस्टिंग है, तो उसको हम लोगों ने कहा कि यहां पे आप लोग
सर्जन के साथ मिलकर गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे है और आप लोग यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट करो। और 20 मई से हम लोगों ने यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट करी। डॉक्टर अब्बास है यहाँ पे सर्जन है, डॉक्टर सबा है गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मुकरब जो था यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये सर्जरी स्टार्ट करी है यहाँ पे। और कम से कम 42 के करीब जो है वो मेजर सर्जरीज की है यहाँ पे, और उसके अलावा जो है माइनर सर्जरीज वो काफी सारी कर दी है। उसके अलावा जो है सर्जेरियन जो हुए हैं, सर्जेरियन ऑपरेशन जिसको बोलते हैं सर्जेरियन सेक्शन, वो यहाँ पे हमारे हुए हैं 14। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि COVID-19 के चलते हुए सुरनगोड़ हॉस्पिटल में तकरीबन 2 या 2.5 साल से कोई भी सर्जरी जो है वो नहीं हो रही थी। एक तो वजह ये थी कि डॉक्टर्स की जो है वो कभी थी, हमारे पास गायनिक डॉक्टर्स भी जो है वो नहीं था काफ़ी अर्से से, और नई नई अपॉइंटमेंट जो है गायनिक डॉक्टर्स की भी यहाँ पर हो चुकी है, और जितनी भी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स थी मैक्सिमम जो है वो कवर हो चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास जो है वो डॉक्टर जो है बेहोश डॉक्टर की जो है वो कमी है, और मुझे लगता है कि आने देने वाले दिनों में वो कमी भी वो जो है वो पूरी हो जाएगी। इस वाले से मैं ये कहूँगा कि पिछले तकरीबन 2 महीने से तकरीबन 42 से ज्यादा ऑपरेशन जो है सुरनकोट हॉस्पिटल के में हुए हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा DC पुंछ को और CMO पुंछ को कि जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो हॉस्पिटल का सिस्टम था उसको दोबारा जो है वो लाइन पे लाया। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी गरीब लोग हमारे इलाका गए थे, पीर बंजाला पंचाल से लेके अगर हिल काका से कोई आदमी चलता था तो यहाँ से फौरी तौर पर पुंछ में रेफर कर दी जाती थी हमारी बहनें, और काफ़ी किस्म की परेशानी कही तो से पहले ही बच्चे जो है वो मर जाते थे। लेकिन ये इनिशिएटिव के बाद मैं ये समझता हूँ कि हमारे सुरनकोट में जो हॉस्पिटल में अच्छी टीम जो है इस वक्त काम कर रही है और CMO की सरबराई में कर रही है और एक बेहतरीन काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि मुगल रोड खुलने के बाद सुरनकोट का हॉस्पिटल एक सेंटर पॉइंट है। और मैंने आज दरबार में भी ये पॉइंट उठाया है कि बेटी का ऑपरेशन हुआ हमने पहले 6 महीने पहले, बल्कि 1 साल से उसको बड़ी बहन थी, मैंने जम्मू भी फॉर्म लेकर गए, राजौरी भी लेकर गए और इस हॉस्पिटल में भी लेकर आए। यहाँ पर सर्जन साहब जो पहले सर्जन साहब थे उन्होंने हमें 2, 4, 6 डेटें दी। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हॉस्पिटल में अब जो सर्जरी जो अवेलेबल हो चुकी है ऑपरेट की, इससे पहले देखा जाए तो यहाँ से जो रेफ़र किया जाता था पुंछ के लिए या राजौरी के लिए या फिर जम्मू के लिए, तो आज गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो सर्जरी है वो चल रही हैं और इससे आगे भी जो चलती रहेंगी। मैं मुबारकबाद दूंगा BMO सुरनकोट को और CMO पुंछ को जिन्होंने ये अच्छा स्टेप लिया और जो इसको हॉस्पिटल को और ही अपग्रेड इसकी वजह से। जम्मू के टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्रैफिक पुलिस के नाक तले बाहरी राज्यों से कई गाड़ियां बिना फिटनेस और अन्य दस्तावेजों से धड़ल्ले से चल रही हैं, और इन लोगों के मुताबिक बिना किसी टैक्स की अदायगी के इन गाड़ियों के चालक जो है वो कम रेट पर सवारियां उठाते हैं, जिससे जम्मू के टैक्सी ऑपरेटर को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इन गाड़ियों पर रोक ना लगाई गई तो जम्मू के तमाम टैक्सी चालक जो है वो RTO कार्यालय का घेराव करने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां आ रही हैं विदाउट इंश्योर, विदाउट फिटनेस, विदाउट परमिट, वो गाड़ियां यहां पर चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, RTO ना पूछने वाला, ना SSP पूछ रहा है। वो गाड़ियां धड़ल्ले से यहां पे चल रही हैं, या गाड़ी लखनपुर से आती है ये बोलते हैं कि गाड़ी को चेकिंग होती है, गाड़ी का कोई कागज चेक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये बाहरी राज्य की जो गाड़ी है वो बंद होनी चाहिए। ऑल इंडिया परमिट का मतलब होता है कि पठानकोट से आए, दिल्ली से आए, यहाँ पे घुमा के वापस जाए, वो ये नहीं है कि जम्मू से उठाया, जम्मू में दोबारा खाली किया, फिर जम्मू से श्रीनगर के लिए चल पड़े। ऐसा कहाँ हो रहा है? यहाँ आप रेलवे स्टेशन में चले जाइए, गुजरनगर में चलिए, यहाँ पे चले जाइए, गुरुद्वारे के पास चले जाइए, यहाँ पे देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ लगी हैं पंजाब की। हमारा ये कहना है कि जो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी बाहर की स्टेटों में जो पंजाब दिल्ली में स्टेटों में जो ये टेम्पू जो है ब्लैक लिस्ट में हुए हैं, अब वो यात्रा के टाइम यहाँ आके अपना रेट डाउन करके यहाँ पे अपना बेनिफिट ले रहे हैं, ना उनके इंश्योरेंस है, ना उनको फिटनेस है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर हमारा रेट 5,000 रुपया वो 4,000 रुपये यहाँ पे चला जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स भरना, ना उनके पास परमिट है, ना उनके पास इंश्योरेंस, उन्होंने कागज़ भरना नहीं है, तो उनको किस चीज़ की टेंशन, वो देखते हैं हमको 4 रुपये बचे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, खास करके RTO साहब के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंची, ट्रैफिक जो हाईवे SSP उनके साहब भी पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि आप प्रॉपर चैनल पे ये चेक किए जाए। अब RTO साहब कहेगा मुझे पता नहीं, SSP जो ट्रैफिक साहब बोलेंगे हमें पता नहीं है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।